नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। देश में कोरोना के नए केस बढ़ते जा रहे हैं। जी हां, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार हमारे देश में कोरोना का ग्राफ जो है वो बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे की बात अगर करें तो पिछले 24 घंटे में नए बीमारों का आंकड़ा जो है देखिए किस तरह से बढ़ गया है। 141,986 मामले देश में सामने आ चुके हैं, जिसमें देखिए किस तरह से बाकी राज्यों में, ये वो 4-5 राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा केसेस सामने आए हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 40,925, उसके बाद पश्चिम बंगाल 18,218, 13 केस। दिल्ली की बात करें जो कि तीसरे नंबर पर इस वक्त है, 17,335 मामले सामने आ चुके हैं। तमिलनाडु 8,981, कर्नाटक 8,449 मामले सामने आ गए हैं। तो देश में देखिए किस तरह से लगातार कोरोना का ग्राफ जो है वो बढ़ता जा रहा है और ओमिक्रॉन का संकट किस तरह से बढ़ रहा है। अगर देश की बात करें तो 3,071 मामले सामने आ चुके हैं महाराष्ट्र में, जिसमें फिर से सबसे ज्यादा मामले, 800 से ज्यादा मामले यहां दर्ज किए गए हैं। पश्चिम बंगाल में 27 मामले, दिल्ली में देखिए 513 ओमिक्रॉन के केसेस जो है वो दर्ज हो चुके हैं। अब देखिए दिल्ली की अगर हम बात करें तो किस तरह से यहां पर आंकड़ा जो है कोरोना का ग्राफ बढ़ा है। 1 जनवरी 2,716 केसेस दर्ज किए गए हैं, फिर सीधे अगर 2 जनवरी पर आए तो 4,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। 5 जनवरी को देखिए एकदम से ये मामला, 4 जनवरी से 5 जनवरी के बीच देखिए 5,000 से ज्यादा जो केसेस जो है एकदम से डबल हो गए हैं केसेस। और वहीं 7 जनवरी यानी कि कल की जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें 17,335 मामला दर्ज किया गया है। और उसके बाद दिल्ली सरकार ने ये वो बड़ा फैसला लिया है, यानी कि सोमवार सुबह 5 बजे तक घर से निकलने पर पूरी तरह से पाबंदी हो गई है। 55 घंटे का बैन लगा दिया गया है दिल्ली सरकार की तरफ से। जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग केवल घर से बाहर निकल पाएंगे। उसके अलावा अगर आप निकल रहे हैं तो पहचान पत्र दिखाकर बाहर जाने की आपको छूट होगी, यानी कि आपको ई पास भी जरूरी होगा। अब किसे मिलेगा ई पास, चलिए वो आपको बताते हैं। तो जो अन्य जरूरी सेवाओं से जुड़े हुए लोग हैं उन लोगों को ई पास मिलेगा और आपातकालीन काम के लिए भी ई पास की सुविधा दी जाएगी। अब इसे आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, उसकी सुविधा भी दिल्ली सरकार ने दी है, लेकिन किस किस तरीके से देखिए, डीएम ऑफिस से जारी होगा ई पास और ऑनलाइन भी आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। दिल्ली में जब ये डर बढ़ चुका है कि अब एक कोरोना संक्रमित मरीज 15 से ज्यादा लोगों को संक्रमित कर सकता है, तब मुश्किल वक्त में जनता के बचाव के लिए शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक के लिए वीकेंड कर्फ्यू की शुरुआत हो चुकी है। अभी तक दिल्ली में नाइट कर्फ्यू चलता आ रहा है जो रात में 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहता है। अब रात की तरह ही शुक्रवार रात से सोमवार सुबह तक यूं ही दिन रात पुलिस जांच करेगी, कहीं कोई बेवजह कोरोना के संक्रामक काल की तीसरी लहर में दिल्ली में घूम तो नहीं रहा। कौन आ सकता है, कौन नहीं, कौन कहां जा पाएगा, कहां नहीं, सब सवालों के जवाब हम आपको बता दें। पहला सवाल है कि वीकेंड कर्फ्यू के दौरान क्या होगा। जवाब वही होगा जो पिछले साल भी हुआ था, यानी इस दौरान लोगों को बेवजह घर से बाहर घूमने की इजाजत नहीं होगी। सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग ही सोमवार सुबह तक आ जा सकेंगे। किसी इमरजेंसी में मान्य आईडी कार्ड के साथ आप बाहर निकल सकते हैं। दूसरा सवाल है, वीकेंड कर्फ्यू में क्या बस, ट्रेन, फ्लाइट से जाने के लिए आप निकल सकते हैं? जवाब है बिल्कुल हाँ। बस इसके लिए आपके पास टिकट की कॉपी जरूर होनी चाहिए। इसका सीधा सा मतलब वीकेंड कर्फ्यू होगा, लेकिन आपको बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट तक जाने की रोक नहीं लगी है। तीसरा सवाल है, एनसीआर में रहते हैं तो क्या दिल्ली वीकेंड में जा पाएंगे? जवाब यह है कि अगर आप जरूरी सेवा से जुड़े नहीं हैं, तो बेवजह दिल्ली नहीं जा पाएंगे। इसके लिए आपके पास जरूरी दस्तावेज, पास या पहचान पत्र होना चाहिए। ओमिक्रॉन की जो लहर आई है, क्योंकि विदेशों से फ्लाइट भी दिल्ली में आई थी, तो दिल्ली को जो हमने दिल्ली ने जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं वो रेस्ट्रिक्शंस बहुत जरूरी थे। कई बार लगता है कि कुछ लोगों ने थोड़ा ज्यादा लगा दिया है,
बट रिपेंट करने से बेटर है, बाद में पछताने से बेटर है कि थोड़े रेस्ट्रिक्शन ज्यादा भी हो। भाई देखो, हमने सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बंद कर दिए, जिम बंद कर दिए, हमने सारे सिनेमा हॉल बंद कर दिए, बैंकेट हॉल बंद कर दिए, पब्लिक गैदरिंग बंद कर दी, शादियों में 20 लोग कर दिए, फ्यूनरल में 20 लोग कर दिए। अगर कोई इम्तिहान हो रहा तो क्या वीकेंड कर्फ्यू के दौरान बाहर जा पाएंगे? जवाब है हाँ। इसके लिए जरूरी है कि आपके पास प्रवेश पत्र, पहचान पत्र हो। जो एग्जाम कराने वाले हैं वो भी पहचान पत्र दिखाकर जा सकते हैं। अब याद करिए पिछले दिनों सामने आई इस तस्वीर को। ऐसे बाजार कोरोना फैलाने का बड़ा कारण बनते हैं। वीकेंड पर ऐसे बाजारों में दिल्ली के जमकर भीड़ होती है। सस्ता टिकाऊ माल लेने के चक्कर में लोग कोरोना का संक्रमण लेते बांटते घूमते हैं। इन बाजारों से जुड़ी शंका हो सकती है आपको, इसीलिए पांचवा सवाल है कि दिल्ली में लगे वीकेंड कर्फ्यू के दौरान क्या बाजार खुलेंगे? जवाब है कि बाजार बंद रहेंगे, सिर्फ जरूरी सामान जैसे राशन और दवा की दुकानें खुल सकती हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत पुख्ता है। देखिए जगह जगह पर चेकिंग हो रही है, आपको आईडी कार्ड दिखाना पड़ेगा, आपको दस्तावेज दिखाने पड़ेंगे। अगर आप नहीं दिखा पाएंगे तो आप पर लीगल कार्रवाई की जाएगी। डॉक्यूमेंटेशन चेक किया जा रहा है, पुलिस की गाड़ी वहाँ पे खड़ी है। यहाँ पे बैरिकेड है और पुलिस काफी भारी तादाद में कैनॉट प्लेस में नजर आ रही है। बाहर मत निकलिए वरना चालान भी होगा और आप पर लीगल कार्रवाई भी की जाएगी। छठा सवाल, दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू के दौरान क्या मेट्रो सेवा जारी रहेगी? जवाब है वीकेंड कर्फ्यू के दौरान मेट्रो की सर्विस लोगों को मिलती रहेगी। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू सोमवार सुबह 5 बजे तक जारी रहना है, इसलिए इन सभी सवालों के जवाब याद रखिएगा, वरना दिल्ली पुलिस बेवजह बाहर निकलने पर आपके कानूनी कार्रवाई करने के लिए तैयार है। अमित भारद्वाज के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक। और हमारे दो संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दिल्ली नोएडा बॉर्डर से सुशांत मेहरा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और साथ ही कनॉट प्लेस से हमारी संवाददाता हमारे साथ श्रेया जुड़ रही हैं। सबसे पहले सुशांत, आपसे जानना चाहेंगे, दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू है लेकिन आपके पीछे हम आवाजाही देख सकते हैं, लोग जा रहे हैं, क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि कर्फ्यू है, वो दिल्ली नहीं जा सकते, अगर गए तो फंस सकते हैं? देखिए श्रोता, बता दूं कि जिस तरीके से कोरोना के मामले तेजी के साथ राजधानी दिल्ली में बढ़े हैं, तो दिल्ली में 2 दिन का वीकेंड कर्फ्यू जो है इम्पोज किया गया है। तस्वीरें दिल्ली नोएडा चिल्ला बॉर्डर की आपको दिखाना चाहूंगा कि एक एक गाड़ी को जो है वो बकायदा उनका आईडी कार्ड चेक किया जा रहा है। एसेंशियल सर्विस से अगर जुड़े हुए हैं तभी उनको दिल्ली जाने की इजाजत जो है वो फिलहाल दिल्ली पुलिस की तरफ से दी जा रही है। लगातार बारिश हो रही है, इस बारिश के बीच दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो लगातार लोगों को ये मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि अगर आप एसेंशियल सर्विस से जुड़े हुए नहीं हैं तो आप बेवजह घरों से बाहर जो है वो ना निकले। उनको वापस जो है वो नोएडा की तरफ जो है वो भेजा जा रहा है, क्योंकि दिल्ली के अंदर जिस तरीके से कर्फ्यू तो जरा पुलिस वालों से सुनवाई, वो क्या पूछ करके जाने दे रहे हैं, क्योंकि तमाम गाड़ियां यहां पर लाइन में लगी हुई हैं, सभी को इसी तरह से क्या जाने दिया जाएगा? देखिए जरूर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि लगातार देखिए ये पुलिस कर्मी हैं जो लगातार गाड़ी वालों से जो है वो पासिस जो है वो चेक कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पर हैं, देखिए अब यहाँ पे पुलिस वाले जो है वो गाड़ी वालों से बातचीत कर रहे हैं। सर क्या कुछ पूछ रहे हैं, क्या कुछ इनसे जानते हैं? यूटर्न करो, क्या क्या इनसे पूछा जा रहा है सर? एक मिनट, जाम लग रहा है लगातार। आपके पास पासिस है सर? नहीं, पास तो नहीं। आप बाहर क्यों निकले? दिल्ली में तो कर्फ्यू लगा हुआ है सर। ये मुझे मालूम नहीं था, बेवजह जो बाहर निकल रहे हैं। फिलहाल पुलिस की तरफ से यह है कि अगर आपके पास गैर जरूरी सामान जो जरूरी चीजें हैं, संजय सर आएंगे आपके पास, श्रेया के पास चलते हैं। श्रेया आपके पास क्या कुछ जानकारी, जैसा हम देख रहे हैं कि कई लोगों को ये पता भी नहीं है कि कर्फ्यू है, उनके पास पासेस भी नहीं है, यही हाल कुछ दिल्ली का भी है क्या? जी हाँ बिल्कुल, देखिए हम अभी दिल्ली के उस इलाके में मौजूद हैं जहाँ पे वीकेंड में तो लोग बहुत ही भीड़ और बहुत ही भारी मात्रा में आते हैं। ये दिल्ली का कनॉट प्लेस है, आप देख सकते हैं कि पूरा मार्केट बंद है और ये हाल दिल्ली के हर एक मार्केट का है। हमने सवेरे लाजपत नगर से लेके दिल्ली के बंगाली मार्केट से लेके और अभी कनॉट प्लेस तक की सफ़र की और देख रहे हैं कि यहाँ पे लोग बिल्कुल भी नहीं निकले हैं, जो कि वीकेंड कर्फ्यू लागू है उसके चलते पूरा मार्केट सर्व बंद है। और जगह जगह पे दिल्ली पुलिस की चेकिंग भी अभी चल रही है, कनॉट प्लेस में भी दिल्ली पुलिस की एक बैरिकेडिंग लगी हुई है जहाँ दिल्ली पुलिस हर गाड़ी की चेकिंग कर रही है। और ये नज़ारा कहीं ना कहीं हम सोमवार
सवेरे पांच बजे तक देखेंगे। और बार बार हम ये भी देख रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की जो पेट्रोलिंग व्हीकल है वो भी अनाउंसमेंट करते करते पूरे बंद है, लेकिन अभी भी कई लोग जो है वो नोएडा से निकल रहे हैं। सुशांत हमारे साथ बने हुए। सुशांत, अभी अभी आपने जिन जनाब से पूछा उन्हें ये भी नहीं पता कि दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लग गया है, ऐसे में इस जो पुलिस वहां पर मौजूद है वो उन्हें फिर भी जाने दे रही है? नहीं, मैं आपको बता दूं कि जो लोग जिनके पास एसेंशियल सर्विस से जुड़े हुए पासिस नहीं है उनसे पूछा जा रहा है, और पूछे जाने के बाद मैं आपको बता दूं कि अगर उनके पास नहीं है तो उनको वापस जो है वो नोएडा जो है वो भेजा जा रहा है अगर पासिस नहीं है। आप देखिए कि यहाँ पर अब पुलिसकर्मी जो है वो आईडी कार्ड जो है वो चेक कर रहे हैं कि अगर एसेंशियल सर्विस से अगर आप जुड़े हुए हैं, आपके पास ई पास है, यहाँ पर देखिए कार्ड जो है वो चेक कराया जा रहा है। और उसके बाद अगर ये जनाब अगर एसेंशियल सर्विस से जुड़े हैं या इनकी कोई मेडिकल इमरजेंसी है तो ही इनको जाने की इजाजत जो है दी जा रही है। ये बताइए कि सर जिसके पास एसेंशियल सर्विस से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट्स नहीं है उनको वापस भेज रहे हैं आप सब? हाँ बिल्कुल, आप देख सकते हैं यहाँ पर गाड़ी के अंदर ये शख्स हैं जो कि अपना पास जो है वो दिखा रहे हैं। दिक्कतें भी आ रही है बिल्कुल सुशांत, आगे भी आप लोगों से हम जानकारी लेंगे। श्रेया, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आखिर दिल्ली के वीकेंड कर्फ्यू को लेकर जानकारों की क्या राय है? क्या हाल इतने खराब हैं कि नाइट कर्फ्यू के बाद वीकेंड कर्फ्यू की नौबत आ गई है? क्या 55 घंटे की सख्ती कोरोना की रफ्तार को रोक सकेगी? जनता को क्या वीकेंड कर्फ्यू पर भरोसा नहीं है? आप 7 डेज में 2 डेज अगर वीकली ऑफ कर रहे हो और 5 डे आप ओपन कर रहे हो तो 2 डेज में कोरोना रुक जाएगा क्या? आप बताइएगा, मैं पूछना चाहता हूँ गवर्नमेंट से। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगाने के पीछे का लॉजिक क्या है? दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगाया जा रहा है, इसका मेन उद्देश्य ये है कि जो बहुत तेजी से फैल रहा है तो लोगों की गैदरिंग्स वीकेंड्स पे छुट्टी के दिन और कम हो। नाइट कर्फ्यू के बाद अब वीकेंड कर्फ्यू क्यों शुरू हो चुका है? नाइट कर्फ्यू के बाद ये वीकेंड कर्फ्यू क्यों लगाया गया? देखिए, नाइट कर्फ्यू से डेफिनेटली क्या होता है, रात को लोग ज्यादा मिलते हैं, पब्स में जाते हैं, डिनर करते हैं। वीकेंड कर्फ्यू से कोरोना में कितनी राहत मिल सकती है? वीकेंड कर्फ्यू से कितना फायदा होगा ये तो कहना बहुत मुश्किल है, बट डेफिनेटली जब वीकेंड कर्फ्यू होगा तो कम लोगों को इन्फेक्शन ट्रांसमिट होगा, तो थोड़ी सी इसमें देरी जरूर हो जाएगी, फिर भी लोग को इन्फेक्शन होगा।